भूपेश। मंत्रिमंडल की बैठक में तृतीय अनुपूरक बजट को दी गई मंजूरी। किसानों की कर्ज माफी और शिक्षक कर्मियों के निर्णय भी शामिल। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा, अपनी बेहतर कार्यशैली और व्यवहार से आम जनता का विश्वास जीते पुलिस। तेंदुपत्ता संग्रहण का प्रति बोरा मानक दर हुआ 4,000 रुपए। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने की विभाग की समीक्षा। और राजनांदगांव के लोग घर के कचरे से बना रहे कंपोस्ट खाद, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी दे रहे प्रशिक्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला, आप समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में तृतीय अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गई है। इसका दायरा बढ़ाते हुए किसानों की कर्ज माफी और शिक्षा कर्मियों के निर्णय को भी जोड़ा गया है। नया रायपुर स्थित मंत्रालय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। निर्णयों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे तथा वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि 4 जनवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण को भी स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा कृषि विभाग का नाम बदलकर कृषि विकास एवं कृषक कल्याण विभाग रखा गया है। साथ ही पिछले साल की तुलना में 20% ज्यादा धान खरीदी का भी लक्ष्य रखा गया है। बैठक में मंत्रिपरिषद की संख्या के संबंध में भी चर्चा की गई। इसमें सदस्यों की संख्या 15 से बढ़ाकर 20% तक करने के लिए विधानसभा में संकल्प लाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा नान घोटाले की जांच के लिए SIT का गठन किया जाएगा, जिसकी जांच IG स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में होगी। तृतीय अनुपूरक की स्वीकृति दी गई। 4 तारीख से माननीय विधायकों के शपथ ग्रहण, विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के साथ विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। तृतीय अनुपूरक पेश किया जाएगा। इस बार थोड़ा सा उसका साइज बढ़ा हुआ है, तृतीय अनुपूरक का। किसानों के कर्जे माफी और शिक्षा कर्मियों के संदर्भ में जो लिए गए निर्णय हैं, उसको शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ छोटा राज्य जरूर कहलाता है, लेकिन हमारा राज्य वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरल से भी बड़ा है। निर्णय के अनुसार 15% तक ही इसकी सीमा है, क्योंकि पॉपुलेशन के आधार पे जिन बड़े राज्यों का मैंने जिक्र किया, उन राज्यों से हमारी जनसंख्या कम है, तो सीट के 15% के आधार पे ना हो करके, और उसको हम लोग चाहते हैं इस राज्य की भौगोलिक परिस्थिति, इस राज्य की जो क्षेत्रफल की साइज इन राज्यों से बड़ा होने के कारण मंत्री जो परिषद की जो प्रतिशत है 15% से बढ़ाकर 20% किया जाना चाहिए। इस हेतु विधानसभा के आगामी सत्र में संकल्प लाने का निर्णय लिया गया। मंत्री द्वय ने बताया कि पूर्व सरकार में शराबबंदी के लिए जो अध्ययन दल गठित किया गया था, उसे भंग करते हुए नया अध्ययन दल बनाया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि नया वर्ष प्रदेश के नागरिकों के जीवन में सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली लाएगा। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नए साल की शुरुआत राजधानी में चावड़ी के मजदूरों से मुलाकात कर की। श्री बघेल ने मजदूर भाई बहनों को मिठाइयां बांटकर उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने श्रमवीरों से उनकी समस्याओं के बारे में बड़ी आत्मीयता के साथ जानकारी प्राप्त की और उन्हें समस्याओं के निराकरण का भी भरोसा दिलाया। मजदूर भाई बहनों के आग्रह पर श्री बघेल ने चावड़ी में एक शेड के निर्माण और शौचालय के साथ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। उन्होंने श्रम आयुक्त सुबोध कुमार सिंह को इस संबंध में जल्द कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
श्री बघेल ने कहा कि सभी मजदूर भाई बहनों के मजदूर कार्ड बनाए जाएं और ये भी सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी मिले। नववर्ष के बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और आज भिलाई में हनुमान पाठ के साथ समाप्त हो रहा 2018 और 2019 सबके लिए मंगलमय हो, यही कामना। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी प्रदेशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। 2019 की छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि नया साल 2019 सबके लिए मंगलमय हो, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य खूब विकास करे, सबका सहयोग भी चाहते हैं और पुनः आप सबको बधाई देता हूं। मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों और अधिकारियों को नए साल की बधाई दी है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि पुलिस को अपनी बेहतर कार्यशैली और व्यवहार से आम जनता का विश्वास जीतना चाहिए। पुलिस पर जनता का जितना ज्यादा विश्वास होगा उतना ही उसे अपने कार्यों को पूरा करने में सहूलियत होगी। गृह मंत्री ने पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों की बैठक में ये बातें कही। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पुलिस विभाग की कार्ययोजना ऐसी होनी चाहिए कि जो प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए उपयोगी हो, जिससे वे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। का काम काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होता है, इसलिए बहुत सारा चीज़ तो मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगा, पर इतना मैंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पुलिस के प्रति सम्मान हो जनता में, हमको ऐसा काम करना है। एक लाइन ये है, बाकी तो गोपनीय चीज है। श्री साहू ने कहा कि पुलिस का व्यवहार ऐसा हो कि आम जनता उसे अपना मित्र समझे, साथ ही अपराधियों में उसका खौफ भी हो। बैठक के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने अपनी अपनी शाखाओं और दायित्वों से संबंधित जानकारियां संक्षेप में प्रस्तुत की, जिसे सुनकर गृहमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग की सभी शाखाओं के बारे में अलग से चर्चा की जाएगी। इस दौरान गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरपी मंडल ने कहा कि विभाग की ओर से शासन स्तर पर सभी आवश्यक प्रस्तावों का प्रमुखता से निराकरण किया जाएगा। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और उनमें कमी लाने के संबंध में पीडब्ल्यूडी सहित संबंधित विभागों के साथ समन्वय के लिए प्रयास किए जाने के निर्देश दिए। पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने विश्वास दिलाया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप और गृह मंत्री के मार्गदर्शन में आम जनों की मूल भावना को समझते हुए पुलिस के प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी अच्छा काम करेंगे। बैठक में विशेष पुलिस महानिदेशक संजय पिल्ले, आर के विज, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, पवन देव, अरुण देव गौतम, पुलिस महानिरीक्षक एसआरपी कल्लूरी और दीपांशु काबरा समेत अनेक अधिकारी मौजूद थे। अब देखिए 3 मिनट 10 खबरें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नए साल के पहले दिन दंतेवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। अपने 2 दिवसीय बस्तर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री दंतेवाड़ा, फरसपाल, जगदलपुर समेत अन्य स्थानों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ आम जनता से मुलाकात करेंगे। संस्कृति मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को विश्व पटल पर पहचान दिलाने विशेष जोर दिया जाएगा। उन्होंने विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इसके लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। श्री साहू ने संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने, इन विभागों का बजट बढ़ाने के लिए भी कहा। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन मैदानी क्षेत्रों में दिखना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को कृषि को आधुनिक और लाभकारी बनाने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। श्री चौबे ने मंत्रालय में आयोजित विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य की खुशहाली कृषि की उन्नति पर निर्भर करती है और इससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिज्ञ रहे स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर की जयंती पर भिलाई में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्वर्गीय चंद्राकर दुर्ग जिले के निपानी गाँव के कृषक परिवार में पैदा हुए थे। वे किसी भी राष्ट्रीय समाचार पत्र के संपादक बनने वाले छत्तीसगढ़ के पहले पत्रकार थे। वे 5 बार लोकसभा के सदस्य भी रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि संतों का सानिध्य हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के जनजीवन में हमेशा से संतों का प्रभाव रहा है। मुख्यमंत्री राजधानी में आयोजित 6 दिवसीय प्राकट्य महोत्सव में शामिल हुए। 6 दिवसीय इस प्राकट्य महोत्सव में रितेश्वर महाराज श्री कृष्ण भक्ति रहस्यम पर प्रवचन देंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर में जिला अधिवक्ता संघ एवं राज्य विधिक परिषद द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वकीलों का समाज में हमेशा महत्वपूर्ण स्थान रहा है, उनकी स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर कमजोर और वंचित वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य करना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास के बताए गए रास्ते पर हम सबको चलने की जरूरत है, साथ ही सत्य की राह पर चलकर हमें छत्तीसगढ़ का नव निर्माण करना है। मुख्यमंत्री बिलासपुर के महंत बाड़ा में आयोजित गुरु घासीदास समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बाबा के संदेशों के अनुरूप चलते हुए हमें सभी लोगों को समानता का अधिकार दिलाने के लिए कार्य करना है। देवभोग पुलिस ने ओडिशा से बेचने के लिए लाया जा रहा 16 क्विंटल धान जब्त किया है। धान के साथ दो लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक अधिक समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए पड़ोसी राज्य से बिचौलिए अवैध तरीके से धान लेकर छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं। दो दिन पहले ही उन्हें ओडिशा से धान के अवैध परिवहन की सूचना मिली थी। राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में शीतलहर का कहर जारी है। अंबिकापुर में प्रदेश का सबसे न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं मैनपाट में पारा 1 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने प्रातःकाल कोहरा छाए रहने की चेतावनी दी है। मौसम वैज्ञानिकों ने आगामी दो दिनों तक मौसम में विशेष परिवर्तन नहीं होने के संकेत दिए हैं। जाने माने अभिनेता एवं लेखक कादर खान का 81 वर्ष की उम्र में आज निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे और कनाडा के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। कादर खान के बेटे सरफराज के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार कनाडा में ही किया जाएगा। काबुल में जन्मे कादर खान ने 1973 में राजेश खन्ना के साथ फिल्म दाग से अपने करियर की शुरुआत की थी। अब कुछ खबरें विस्तार से। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि तेंदुपत्ता संग्रहण की दर प्रति मानक बोरा 2500 रुपए से बढ़ाकर 4000 रुपए की जाएगी। श्री अकबर ने वन विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि 1500 रुपए की यह बढ़ोतरी तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के हित में बहुत बड़ा निर्णय है। उन्होंने कहा कि लघु वनोपज के समर्थन मूल्य पर बोनस देने से प्रदेश सरकार के 13 लाख वनवासी परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग के आर्थिक विकास में वन और वनोपज का महत्वपूर्ण स्थान है, ये उनके मौसमी आय का जरिया होता है। श्री अकबर ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के वन क्षेत्रों में वन्य प्राणियों द्वारा की जाने वाली जनहानि और फसल हानि में वर्तमान योजना का परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण के बाद ही इसके लिए और अधिक प्रभावित कार्य योजना बनाई जाएगी ताकि प्रभावित परिवारों को अधिक से अधिक मुआवजा मिल सके। उन्होंने मुआवजे की राशि बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए हैं। नगर निगम राजनांदगांव की पहल से अब घर के कचरे से ही फूल खिलेंगे। इसके लिए लोगों को घरों पर ही कचरे से खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस होम कंपोस्ट के बन जाने से इसका उपयोग घर की फुलवारी के लिए किया जा सकेगा। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत घरों से निकलने वाले गीले और सूखे कचरे को अलग अलग डस्टबिन में रखा जाता है। इन्हीं गीले कचरे में से लोगों को घर पर ही खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नगर निगम अधिकारी कर्मचारियों सहित अन्य स्वच्छता मित्रों द्वारा होम कंपोस्ट के लिए घर घर जाकर गीले कचरे से खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए नगर निगम में SLRM सेंटर और डोर टू डोर कचरा संग्रहण के स्वच्छता सखियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। निगम कमिश्नर रोहित व्यास ने कहा कि वेस्ट मटेरियल के उपयोग के लिए नगर निगम कार्य योजना बनाकर काम कर रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए हम राजनांदगांव को स्टार रैंकिंग में शामिल करने की दिशा में काम कर रहे हैं। जो है हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 है और स्टार रेटिंग है, तो उसके लिए भी हम लोग 7 स्टार रेटिंग के लिए एस्पायर कर रहे हैं राजनांदगांव शहर के लिए। तो उसमें अति आवश्यक है कि CND वेस्ट मटेरियल कहीं भी पड़ा हुआ नहीं दिखे, तो इसके लिए हम लोगों ने एक निगम का जो अपना एक नंबर है उसको भी हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसका, कि जिसका भी CND वेस्ट मटेरियल है अगर वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर पा रहे हैं तो निगम को कॉल करेंगे, जो शुल्क है वो लिया जाएगा और उसको हम फिर अपने एक लोकेशन पर डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो जो CND वेस्ट है उसको भी अब हम उसका यूज़ कर रहे हैं। जैसे धीरे धीरे हमने गीला और सूखा कचरा से स्टार्ट किया था, पहले गीला सूखा कचरा ऐसे ही फेंक दिया जाता था। अब जैसे हमने उनको देखना चालू किया कि गीला कचरे से हम कंपोस्ट बना रहे हैं, उसका खाद बनाकर उसको बेच रहे हैं, सूखा कचरा है उसको भी सेग्रीगेट फर्दर सेग्रीगेट करके उसको रिसाइकल किया जा रहा है। प्रशिक्षक अभिजीत हरिहरनो ने कहा कि नवरात्रि के समय स्थापित ज्योति कलश विसर्जन के बाद अनुपयोगी हो जाते हैं। इन्हीं कलशों का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जा रहा है, इसके लिए लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।